प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला। खाद के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में होगा मतदान। 8 को जारी होंगे परिणाम। और आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी की भी सुविधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी बुराई है और देश को इससे दूर रखना होगा। श्री मोदी नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एनडीए सरकार की तरह हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि विश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी है। श्री मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से लोग अपनी शिकायतों के बारे में हुई प्रगति की जानकारी ले सकेंगे। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास, जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में कई प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए कई नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और अप्रासंगिक नियमों को हटाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी फसल के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी की नई दरें मंजूर कर दी हैं। नई दरें पिछले महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं और अगले 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की गई। इसी तरह आर्थिक मामलों से संबद्ध मंत्रिमंडल की समिति ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना आधारित कच्चे माल से तैयार एथेनॉल की बढ़ी हुई कीमतें मंजूर कर ली हैं। यह मूल्य एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2022-23 के लिए मंजूर किए गए हैं और इस वर्ष 1 दिसंबर से अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेंगे। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि चीनी मिलों में शिरा से बने एथेनॉल का मूल्य 46.66 रुपये से बढ़ाकर 49.41 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। कोशिश करें, मुझे याद है उस समय जब मेरी ब्राजील पोस्टिंग हुई 2006 में, उस समय भी हम लोग 5% की कोशिश कर रहे थे। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट और मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं, 2014 तक हम जब पहुंचे तो हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में सिर्फ 1.4% थी। 1.4%
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व संभाला 2014 में, तो हमने कई आई वुड से रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। एक तो स्टेप ये था कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले तय कर दिया है। पहले यह लक्ष्य 5 साल के लिए 2030 तक रखा था, अब इसे घटाकर 2025 कर दिया गया है। श्री पुरी ने बताया कि E20 ईंधन पायलट परियोजना के तहत अगले वर्ष से पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध होने की संभावना है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होंगे। 182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान करने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे पर दुख व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गुजरात में इस बार 4,06,000 लोग पहली बार वोट करेंगे। राजीव कुमार ने कहा कि कोई ईवीएम पर सवाल उठाता है और वो चुनाव जीत जाता है तो सवाल बंद हो जाते हैं। हमारा मकसद निष्पक्ष चुनाव है और चुनाव आयोग आज ही नहीं बना, हमेशा से ही हमारी निष्पक्षता जग जाहिर रही है। दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन वुड बी फॉर द फर्स्ट फेज 5th of November एंड फॉर द सेकेंड फेज 10th of November। फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस इट वुड बी 14th November फॉर फेज 1 एंड 17th November फॉर फेज 2। Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the election commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। राजीव कुमार ने बताया कि गिर फॉरेस्ट के बनेज गांव में रहने वाले भरत दास दर्शन दास के लिए पोलिंग बूथ बनाया जाएगा। इस इकलौते मतदाता से वोटिंग करवाने के लिए 15 लोगों की टीम जाएगी। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज शाम समापन होगा। आज के कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे। तीसरे दिन की शुरुआत कर्मा नृत्य के साथ हुई। महिलाओं ने गहरी नीली साड़ी पहने और सिर में कलगी लगाए आदिवासी परंपरा की झलक पेश की। इससे पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदेशों से आए कलाकारों ने समा बांध दिया। दर्शक भी कलाकारों की प्रस्तुतियों पर जमकर झूमे। इसी तरह न्यूजीलैंड के कलाकारों ने मंच पर पारंपरिक वेशभूषा में डांस किया। उन्होंने अंत में मंच से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा भी लगाया। इसके अलावा मंगोलिया इंडोनेशिया जैसे देशों के नृतक दलों ने भी अलग अलग अंदाज में अपनी प्रस्तुतियां दी। विदेशी कलाकारों के अलावा भारत के आदिवासी दलों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को काफी प्रभावित किया। मेघालय की गारो जनजाति ने वांगला नृत्य का प्रदर्शन किया। ये नृत्य दाना नाम के म्यूजिक यंत्र को बजाकर किया जाता है। वहीं असम के कलाकारों ने बालमफा नृत्य की प्रस्तुति दी।
इस दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के पारंपरिक भुंजिया डांस ने भी लोगों का काफी मनोरंजन किया। वहीं तेलंगाना, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के भी पारंपरिक नृत्यों ने राज्योत्सव में चार चांद लगा दिए। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी भी हो सकेगी। इसके साथ ही हृदय रोग, रीढ़ की जटिल सर्जरी और रक्त विकारों से संबंधित नए पैकेजों के साथ ही कई हाई एंड दवाइयों को भी इसमें शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में इलाज के लिए सामान्य बेड, HDU और ICU बेड्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मिलकर ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के पैकेजों की दर संशोधित करने और नए पैकेजों को शामिल करने के लिए नेशनल हेल्थ एजेंसी को प्रस्ताव भेजे थे। करीब 800 पैकेजों की दरों में संशोधन किया गया है। योजना में नए पैकेजों और हाई एंड दवाइयों को शामिल किए जाने और पुराने पैकेजों की दरों में बढ़ोतरी से योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल मरीजों को ज्यादा चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। इससे मरीजों को अस्पतालों में बीमारियों के इलाज के दौरान खुद का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित इस पैकेज के तहत शासकीय चिकित्सालयों या निजी क्षेत्र के नेफ्रोलॉजिस्ट कैथेटर इंसर्शन के लिए मरीज को रायपुर के DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल या एम्स रेफर कर सकते हैं। मरीज चिन्हांकित शासकीय चिकित्सालयों से महीने भर के लिए CAPD बैग भी प्राप्त कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निजी अस्पतालों द्वारा लंबे समय से जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स में उपचार की दरों को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए अलग अलग श्रेणियों में अस्पताल बेड्स की दरों में बढ़ोतरी की गई है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने अति संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन गोलावंड से हंगवा, बेतवेड़ा से तात्री, गोलावंड से दही कोंगा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने शासकीय माध्यमिक शाला तात्री का निरीक्षण भी किया, जहाँ उन्होंने स्कूली बच्चों से मुलाकात कर स्कूल में पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। राजनांदगांव विद्युत मंडल द्वारा 2 और 3 नवंबर को 132 केवी लाइन में सुधार कार्य किए जाने के चलते शहर में 8 घंटे बिजली बंद रखने की सूचना जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विद्युत मंडल का घेराव किया और पूरे शहर में लाइट बंद नहीं रखने की मांग की। इस धरना प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन देकर कहा कि शहर में 8 घंटे तक लाइट बंद होने से आम नागरिकों का जनजीवन प्रभावित होगा और वहीं औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा। जांजगीर चांपा के सिमरिया गांव के सबरिया डेरा में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमले से पामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश कुर्रे और ASI शिव चंद्रा को गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को पामगढ़ अस्पताल से बिलासपुर रेफर किया गया है। घटना के बाद एडिशनल SP अनिल सोनी भी पामगढ़ पहुंचे। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हर सरकारी विभाग में इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए। सतर्कता आयोग के नए शिकायत निवारण पोर्टल का किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला, खाद के लिए 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को दो चरणों में होगा मतदान, 8 को जारी होंगे परिणाम। और आयुष्मान भारत योजना के तहत अब किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी और ब्रेन एंजियोग्राफी की भी सुविधा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।